But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीमेंट न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एंटमैन द वास्प का पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें काफी बड़ा स्पॉइलर है। तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट इसका पोस्ट क्रेडिट सीन रिवील्ड हो चुका है। तो ये स्टार्ट होता है एक लास्ट के सीन से, जहाँ पर होप और हैंग पे और पुरानी वाली वास्प संग खड़े होते हैं और एंटमैन को क्वांटम रेम में जाने के लिए बोलती है। हैंग पेंग का एक मिशन होता है कि वो क्वांटम रेम में जाकर सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करे, उसे इकट्ठा करे, जिससे कि वो अपने ब्रांड न्यू मिशन में यूज कर सके। इसका मतलब वो कुछ बना रहे होंगे। और एंटमैन वहाँ पर सारे एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, उसे इकट्ठा कर लेता है। और एंटमैन जैसे ही होप से बोलता है कि मुझे वापस लाओ, जी हाँ वापस लाओ, तो उसके बाद होप एक काउंटिंग करती है 5, 4, 3। उसके बाद तुरंत थैनोस का सीन, यानी कि उसमें दिखाते नहीं है, हमें सिर्फ एक चुटकी यानी कि स्नैप वाले सीन में सब मर जाते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मरती हैं होप, जी हाँ वो गायब हो जाती हैं एक तरीके से। और एंटमैन चिल्लाता रहता है कि ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, मुझे वापस लाओ। उसके बाद यहाँ पे गायब हो जाते हैं हैंग पेन धीरे धीरे, फिर उसके बाद पुरानी वाली वास्प। तो यहाँ पर ये तीनों कैरेक्टर गायब हो जाती हैं इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, क्योंकि थैनोस ने स्नैप द फिंगर कर चुका होता है। तो ये है वो पोस्ट क्रेडिट सीन। अब यहाँ पर एंटमैन क्वांटम रेम में फंस जाता है, बट उसके पास क्वांटम रेम की पूरी एनर्जी होती है, तो अब पता नहीं कि वो इसे कैसे निकलता है बाहर। और उसके बाद अभी तक मूवी रिलीज नहीं हुई है, तो मैं इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जब ये मूवी रिलीज होगी 13 जुलाई को। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, तो उस पे एंटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय, जा रहा हूं।